कुछ नहीं कहा जा सकता। पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाचा जी परिवार के कई सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और लोकतंत्र की जो प्राथमिक इकाई होती है ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में भी आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी, जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी, 3 बार विधानसभा में भी, 1 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी, और लोकसभा में तो यह 5वीं बार चुनकर आए। अब आप ये सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि जन सामान्य के कितने प्रिय है, और मेरे साथ भी काम करने का अवसर मिला है, बहुत ही नजदीक से मैंने देखा है, और सचमुच इनके साथ बातचीत करने के बाद सहज रूप से मैं नतीजे पर पहुंचता हूं, इस हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत को यदि समझना है तो सचमुच हुकुमदेव बाबू से बात करते हुए समझा जा सकता है। और गांव गरीब किसान की समस्याओं के संबंध में एक विलक्षण जानकारी इनके पास है। मैं कह सकता हूं गांव गरीब किसान की बात तो मैं भी करता हूं, लेकिन कभी भी हुकुमदेव बाबू से हम लोग तुलना नहीं कर सकते, बहुत ऊपर खड़े हैं, बहुत ऊपर खड़े हैं। इनकी पुस्तक के 1-2 कोट के संबंध में मैंने कहा इनकी शैली के बारे में, तो मैं बल्कि हुआ मैंने कहा कि इसको टाइप कर दो, मैं ले जाऊंगा और लोगों को इसे सुनाऊंगा।